आप देख रहे हैं सरमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ, मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सरमार ने आज किस खबर को प्रमुखता दी है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, 75 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। पहले से मंजूरी 82 के अतिरिक्त होंगे 75 मेडिकल कॉलेज। 15,700 MBBS सीटों की हो जाएगी वृद्धि। सरकार अगले 3 साल के भीतर 75 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज खोलेगी और इस तरह अब कुल 15,700 MBBS सीटों की वृद्धि हो जाएगी। सूचना एवं प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के लिए गए। साथ ही उन्होंने निर्णय लिया और जानकारी देते हुए बताया कि यह कॉलेज उन ग्रामीण इलाकों में खोले जाएंगे जहाँ यह कॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले 82 मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी थी, लेकिन 75 अतिरिक्त कॉलेज 2021 से 22 तक खोले जाएंगे। देख सकते हैं, देश के लिए एक बड़ा फैसला है और काफी सराहनीय फैसला है। 75 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिसमें आपको बता दें कि 15,700 MBBS सीटों की हो जाएगी वृद्धि। देख सकते हैं सरकार की तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। जिस तरह से गांव या ऐसे काफ़ी इलाके हैं जहां पे कॉलेजों की कमी देखी जाती थी, जहां पे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट है, उन सब क्षेत्रों के लिए सरकार ने पहल की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में 2021 से 22 तक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ऐसे ऐसे जगहों पे खोले जाएंगे जहाँ पे कॉलेजों की कमी है। मान लिया जाए तो ऐसे भी ग्रामीण इलाकों में खोले जाएंगे जहां पे कॉलेजों की काफी कमी देखने को मिलती है। वैशाली में 16 लोगों पे एसिड अटैक, छेड़खानी का विरोध करने पर किया एसिड से हमला, घायलों में 2 महिलाओं की स्थिति गंभीर। वैशाली जिले के वैशाली थाना क्षेत्र दाऊदपुर गांव के कथित छेड़खानी का विरोध करने वाले एक ही परिवार के 16 सदस्यों पर तेजाब फेंकने का मामला पुलिस के सामने आया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से बताया जा रहा है कि बच्चों के मामूली विवाद से दाऊदपुर गांव में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई, जिससे 6 लोग घायल हो गए। उसके बाद एक परिवार के सदस्य ने गुस्से में दूसरे परिवार की 3 महिलाएं समेत 16 सदस्यों पर तेजाब फेंक दिया है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि घायलों के रूप में तमाम लोग हैं, जिनके अगर नाम की बात कर ली जाए तो रूपा कुमारी, चंद्रकला देवी, गुड़िया देवी, जयप्रकाश सिंह, रविंद्र भगत, देवेंद्र भगत, मनोज भगत, अनिल भगत, तमाम ऐसे 16 लोग हैं जिन पे एक छोटे से विवाद के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज में इन तरह की घटनाओं को दिखाया जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय घटना है। जो छोटे छोटे से मामलों के लिए, बच्चों की लड़ाई के लिए इस तरह का अगर समाज करता है तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि जिस तरह का मामला सामने आया है, एक छोटे से विवाद के लिए, बच्चों की आपसी लड़ाई के लिए इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है और 16 लोगों पे एसिड फेंका जाता है, काफ़ी गंभीर मामला। अगर एक तरह से देखा जाए, अगर समाज के आईने से अगर देखा जाए, समाज के नज़रों से देखा जाए, तो ये घटना काफ़ी बड़ी घटना है, क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई के लिए जब इस तरह के बड़े होकर, जब बड़े बुजुर्ग होकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो समाज में काफ़ी दुख पहुँचता है, समाज को काफ़ी बुरा लगता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घटना है कि 16 लोगों पे एसिड अटैक कर दिया गया एक छोटे से लड़ाई के लिए। पुलिस विश्वविद्यालयों की होगी स्थापना, शाह, हर राज्य में होंगे पुलिस विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधी मामलों की तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से जाँच पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए पेशेवर पुलिस कर्मी तैयार करने के उद्देश्य से देश में पुलिस विश्वविद्यालय और अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। श्री शाह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में कहा। देख सकते हैं कि बड़ी खबर है कि पुलिस विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। अमित शाह ने साफ कहा है कि जिस तरह से हमारे देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, वैज्ञानिक तरीके से जाँच पर जोर देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अब पुलिस विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ पुलिस से जुड़ी, पुलिस की तमाम बातों को सिखाने की कोशिश उस विश्वविद्यालय में की जाएगी। काफी सराहनीय फैसला है सरकार का।
पांच जजों की पीठ करेगी कश्मीर मामले की सुनवाई। अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी सुनवाई। अलग अलग दायर 14 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश। तारिगामी के मिलने आज कश्मीर जाएंगे येचुरी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई है। पीठ मामले की पहली सुनवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करेगी। आप देख सकते हैं कि ऐसे 14 याचिकाएं हैं जिसपे अब सुनवाई पांच जज मिलकर, पांच जजों की एक ग्रुप पीठ मिलकर इसका आदेश निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। उनका साफ कहना है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। कश्मीर पर पाक ना करे हस्तक्षेप, राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि कश्मीर भारत का अंतरिम मामला है तथा इसमें पाकिस्तान और किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर विरोध करते थे, अब उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है, अपने देश का हित में कहा है कि कश्मीर अब देश का मुद्दा है, इसमें किसी और देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, अंतरिम मामला है, इसमें किसी को भी घुसने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को लगी मिर्ची, राहुल गांधी के बयान पे पाकिस्तान को लगी मिर्ची। जम्मू कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पे हथियार बनाया है। कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई भी पेश की गई है। साथ ही राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर के मसले पे अपनी बात कही। आप देख सकते हैं कि ये सुनते के साथ ही पाकिस्तान वालों को मिर्ची लग गई है। क्यों लगे भी क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा कश्मीर के मामले को उठाते थे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। अनंत सिंह रिमांड मामले में फैसला सुरक्षित। पुलिस ने अनंत सिंह को 3 दिनों के रिमांड लेने के लिए बार कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। अनंत सिंह के द्वारा दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद बिहार पुलिस ने उनके बार कोर्ट में पेश करने के बाद बेउर जेल में भेज दिया है। अब उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस कोर्ट से 3 दिनों के रिमांड में लेने के लिए बात रख रही है। आप देख सकते हैं कि अनंत सिंह को अब पुलिस द्वारा उन्हें 3 दिन के लिए रिमांड में रखने के लिए कोर्ट से आदेश उन्होंने मांगा है। आपको बता दें कि आनंद सिंह बाहुबली विधायक हैं जो कि अभी बेउर जेल में हैं। उन्होंने अपना आत्मसमर्पण दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था। अब पुलिस उन्हें रिमांड में लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है कि उन्हें कैसे रिमांड में लिया जाए और जिस तरह की बातें उन सबका कैसे खुलासा किया जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कर्जदारों को राहत देगी बैंक, मोदी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में बाढ़ग्रस्त 13 जिलों के कर्जदारों के कर्ज को 2 साल के लिए पुनर्गठित करने तथा 10,000 रुपये तक उपभोक्ता ऋण देने का बाढ़ग्रस्त जिलों में 10 दिनों के अंदर जिला स्तरीय बैंकर समिति की बैठक करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदा के दौरान कर्ज पुनर्गठित होने की स्थिति में 1 साल तक कर्ज की वसूली स्थगित रखने व आगामी फसल के लिए केसीसी के तहत ताजा ऋण देने का प्रावधान रखा। आप देख सकते हैं कि बिहार में काफी ऐसे जिले हैं, 13 जिले हैं जो बाढ़ ग्रसित हैं। उस पर सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर बैंकर्स को कहा है, बैंकर समिति को कहा है कि आप उनकी मदद करें, क्योंकि 13 जिलों में बाढ़ आए हैं। जो प्राकृतिक आपदा है उसका कहर देखने को मिला था। बाढ़ में काफी लोगों के घर गए, काफी कुछ बर्बाद हो गया, इसमें बैंक उनकी सहायता कर। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि 1 साल तक उनसे कोई भी ऋण नहीं लिया जाएगा, उन्हें अभी कर्ज दिया जाए, लेकिन 1 साल के बाद जब उनकी फसल हो, जब उनकी अच्छी कमाई हो जाए, तब वो अपना ऋण भरेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर कोई भी उनसे पैसे की डिमांड ना करे। बैंकर्स को सुशील कुमार मोदी ने बैंकर समिति को साफ निर्देश दिया है। एक तरह कहा जाए तो काफी बड़ी बात और काफी अच्छी खबर है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक आपदा के कारण जो लोग उसके तले दब जाते हैं, काफी समस्याएं आती है, काफी लोगों के परिवार, काफी लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, इसमें सरकार ने पहल की है। अब बात करेंगे दूसरे पेज, देखते हैं सरमार ने किस खबर को दूसरे पेज में प्रमुखता दी है। 1 सितंबर से बढ़ जाएगी जुर्माने की राशि। नाबालिग वाहन चलाने पकड़े गए तो अभिभावक
भी होंगे दोषी। नवाली के अतिरिक्त अभिभावक को भी 25,000 रुपया जुर्माना। मोटर वाहन अधिनियम के भारी बदलाव किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जाएगी। हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना गाड़ी चलाना, स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग आदि कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि यातायात उल्लंघन के जुर्माना की बढ़ाई गई राशि 1 सितंबर से प्रभावित हो जाएगी। परिवहन विभाग सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। आप देख सकते हैं कि अब जो लोग यातायात का ट्रैफिक का उल्लंघन करते थे, अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई है। हालांकि जो भी लोग हैं जो ऐसे काफी शख्स पाए जाते हैं, ऐसे काफी बच्चे पाए जाते हैं जो नाबालिग होकर भी वाहन चलाते हैं, उन पे भी सरकार ने एक बात कही जाए तो एक तरह की उन पे भी जोर देते हुए उनके जो भी फैमिली है, उनके जो भी पेरेंट्स हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें भी 25,000 रुपया जुर्माना पड़ेगा। साफ तौर पर कहा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया गया है और इस तरह की जो समस्याएं देखी जाती थी, एक्सीडेंट की समस्या हो जाए, ऐसे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था, अच्छे से अनुभवी नहीं होते थे गाड़ी चलाने के, लेकिन वो अपने घर से गाड़ियों को लेकर जा रहे थे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो नियम निकाला गया, अच्छा नियम है, काफ़ी सराहनीय नियम है, इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों की जो काफ़ी बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, इन सब पे रोक लगेगा, क्योंकि गार्जियन से भी छुपा कर या पेरेंट्स भी उन्हें दे देते थे उनके जिद पे, लेकिन अब पेरेंट्स भी उनको नहीं देंगे। तो इस तरह की जो खबर है काफ़ी अच्छी और बड़ी खबर मानी जा सकती है और समाज के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। रफ्तार ने ली माँ बेटे की जान। बुधवार को बेटा आरा मुख्य मार्ग में रामनगर टाटा मोटर्स के सामने अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मां बेटे की घटना स्थल पर मौत हो गई है। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान आरा जगदेव नगर निवासी अभिषेक रंजन उर्फ बंटी की 28 वर्षीय पत्नी संध्या कुमारी उर्फ जूही और 7 वर्षीय पुत्र वर्ग 3 कच्छ। आप देख सकते हैं कि काफी दुखद खबर है। रफ्तार का जो कहर वो हमेशा देखने को मिलता है और तमाम ऐसे हाईवे पे केसेस पाए जाते हैं जो ट्रक ने काफी लोगों को कुचल दिया है। इन तरह की बातें हमेशा सामने आती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती ट्रक ड्राइवरों को भी हो सकती है, हमेशा होने को भी दिखाई देती है, हमेशा मिलती भी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर काफ़ी तेजी में काफ़ी रफ्तार में चलाते हैं और उसी बीच हाईवे पार करने के बीच लोगों की मौत हो जाती है, चपेट में, ट्रक के चपेट में आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बेटा से काफ़ी ही दुखद खबर आई है, छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ बेटे की जान चली गई। आप देख सकते हैं कि कितनी दुखद खबर है। ये लोग अपने काम से जा रहे थे, उसी बीच ट्रक के चपेट में आ गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।